हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है 1:15 और 3:30 बजे हम लोग को निकलना है यहाँ से, क्योंकि 5 बजे की फ़्लाइट है। तो एटलीस्ट 1.5 घंटा पहले हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। अभी देखो खुद को ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि अभी मैं एक्चुअल में एडिटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद जस्ट एडिटिंग करते करते बीच में मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया। अभी मैंने मीकू से कॉफ़ी बनवाई है, कॉफ़ी पी रहा हूँ ताकि थोड़ी सी मेरी नींद उड़े और मैं एडिटिंग कंप्लीट कर लूँ। सुबह 5 बजे की फ़्लाइट है और हम गोवा वैसे पहुँचने वाले हैं 2 बजे, क्योंकि बीच में हॉल्ट है, उसकी वजह से बहुत लंबी फ़्लाइट है। और ब्लॉग के टाइमिंग के 1 घंटे बाद तो मैं पहुंचूंगा, तो मैं यहीं से सारा एडिटिंग करके शेड्यूल वगैरह करके सब जाऊंगा, ताकि टेंशन फ्री होकर जा सकूं। क्योंकि रास्ते में मेरे को कहीं पर भी लग नहीं रहा कि टाइम मिल पाएगा एडिटिंग करके अपलोड करने का, क्योंकि नेटवर्क आए नहीं आए, कहां पर कैसे हो कुछ पता नहीं। और मुझे लग रहा है कि हम लोग फ्लाइट में सोएंगे सीधा, क्योंकि 1:30 तो बज चुका है, 1.5-2 घंटे और 1.5-2 घंटे के लिए सो गए तो फिर काम खत्म ही हो जाएगा सीधे। और इसको देखो, जेठालाल देखते हुए इसके बाकी काम हो रहे हैं। रात को 2 बजे हमारे ड्रम की मसाज हो रही है। दर्द हो गया आज मसाज करते। देखना कैसे पड़ा है ये। तो पावर ले लो। ये देखो, ये इधर पड़ गई। मैं तो देखो फुल एनर्जी में हूँ। ये इकलौता है, इकलौती एक्साइटमेंट वाली बंदी है जो फुल एनर्जी में। हाँ, तू पहली बार बैठ रही, एंजॉय करियो। पता चला फ्लाइट में सो गई। इनको 3:30 बजे एयरपोर्ट निकलना था और ये देखो सब सो रहे हैं। इधर ये सो रहे हैं, उधर दीदी सो रही है, इधर टीकू भैया सो रहे हैं बाहर। अरे सूरज भैया, टाइम देखो, टाइम टाइम देखो क्या हो रहा है। निकल गई आपकी तो फ्लाइट, अब चलो। क्या दीदी यार, टाइम तो देखो, जाना नहीं है क्या आपको गोवा? इच्छा नहीं है क्या आपकी गोवा जाने की? 3:30 बजे निकलना था। हाँ फिर क्या सीन है, चलो तो। तुमसे सो गए थे? सब सो गए थे, ये सिर्फ मैं नहीं सोया। आँखों में नींद भरी पड़ी है और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, बस ये दोनों रेडी हो जाएं। 4 बजने वाली है, बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, जल्दी से जल्दी हम लोगों को पहुँचना है वापस। आपको पता, सबने ना छोटी छोटी नींद कर ली, मतलब 1-1 घंटे का नैप लिया और उसके चक्कर में सर दर्द हो गया सबके। अभी निकल रहे थे, एकदम से याद आया मैडम ने आधार कार्ड नहीं लिया। हे भगवान, इसलिए इस मैडम का तो मैं पोटली में रखता हूँ अपने साथ। लेट्स गो गाइस। टाइम देखो, टाइम क्या हो रहा है। अरे ओ भाई, अभी तू देख, चलो गाइस रॉकेट पहुंचाता हूँ फटाफट से। फाइनली फाइनली टाइम से पहुंच गए भाई, बहुत भागा दौड़ी हुई है, अभी एकदम एंड पॉइंट पर हम आ गए। लाइन तोड़ के ऊपर नीचे इधर उधर भाई बहुत तेज पर चढ़ गए। चलो फाइनली हम लोग जा रहे हैं गोवा। मेरे को तो डर लगने लगा था कि मिस नहीं हो जाए फ्लाइट, मतलब ये देख लो इतना अच्छा डिफरेंस था कि 2 मिनट और लेट और ये हम मिस कर देते। मिस पूरे मिस थी। थैंक गॉड। टीपू कहाँ गया हमारा? पीछे। टीपू भाई को और मेरे को तो ना पूरा लैपटॉप कैमरा सब बाहर निकाल के वापस से पैक करना पड़ा, कुछ चक्कर में। देखो मीकू फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रही है तो मेरी विंडो सीट कुर्बान, ठीक है? मुझे वैसे हमें सीखते कैसे, बीच में कोई और बैठेगा यहाँ पर। क्या हो गया मैम? सीट पर लगाने नहीं आती आपको? प्लेन में घुसा किसने लगा? साइड से बंद कर इसको। ओह इट्स वेरी इजी। मैं इसके बगल में स्पेशली इसलिए बैठा हूँ क्योंकि इसका रिएक्शन रिकॉर्ड कर ले। दोनों लड़कियों को मिल गया। हेलो गाइस, ये सब खाने के बाद एक और मिल गया। पहले स्टॉप पर उतर चुके हैं हम लोग, तो अभी हम लोग हैं हैदराबाद में, तो यहाँ पर बाहर तो जाएंगे नहीं हम लोग, क्योंकि फिर वापस से अंदर चेक इन वगैरह करना पड़ेगा। तो अभी अंदर यहीं पर अराउंड
चार घंटे में बैठना शायद। मुझे बता देने दो। सो गाइस, मैंने जैसे बताया था कि मेरी मीटिंग है, तो मैं थोड़ी सी बुद्धू हूँ। मुझे अभी पता चला कि वो 7:30 मॉर्निंग में नहीं है, 7:30 वो इवनिंग में, ठीक है। तो उसके लिए ना मेरे लिए लाउंज करने की हम लोग सोच रहे थे, ताकि मैं अच्छे से बैठ के अपनी मीटिंग कम्प्लीट कर सकूँ। लेकिन लाउंज हुआ तो सही, पर एक जने के लिए हुआ, और वो एक जना मस्त लाउंज में, VVIP लाउंज में मस्त सो रहा है, और हम यहाँ पे बेचारे बैठे हैं। वैसे हमें भी अच्छी कंफर्टेबल सीट्स मिल गई। ये देखो क्या हुआ, कुछ भी खाने को नहीं है वहाँ पे। अच्छा खाने को कुछ भी नहीं है, अच्छा कुछ भी नहीं है, हमारे बिना खाएगा तो ऐसे ही होगा। पीकू और मेरे लिए मैंने हॉट कॉफी ली, क्योंकि हमारी नाक दोनों की बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। डीबू भी आए, डीबू भी आप क्या ले रहे हो, आप कुछ ले रहे क्यों? जी मैं जो है वो सैंडविच। अच्छा, अरे हाँ, डीबू भैया का तो सैंडविच भी पड़ा है। लुक एट दिस, कैसे सो रहे हैं ये लोग। देखो एक प्लेयर का अभी भी खुश पड़ा है, मैंने भी अभी कम से कम 2 घंटे की नींद ली है, और मैंने आधे घंटे की नींद ली। ये सीट लास्ट वाली जितनी चारों सीटें हम रोक के बैठे हैं 7 बजे से अभी तक, और अभी 10:30 बज चुके हैं। अराउंड 11:55 तक हम यहीं पर हैं, क्योंकि उसके बाद बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। फाइनली अब हैदराबाद टू गोवा। नेजल ड्रॉप डाल दी थी। ये फ्लाइट में मील होते हुए भी एक्स्ट्रा लेकर आए हैं भाई। आपने एक चीज़ नोटिस करी कैसी, जब अपन जयपुर से हैदराबाद आ रहे थे तब भी अपने बगल वाली सीट और पीछे और दोनों के बगल वाली सीट खाली खाली थी, और अभी भी हम यहाँ से गोवा जा रहे हैं तो दोनों सीट खाली हैं। ऐसे क्यों? और इधर 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 कोई था वो यहाँ से चला गया पीछे कहीं पर, हमारी सीट है फिर एकदम से नहीं, चलो ठीक है कोई नहीं फिर चले गए। फाइनली हम लोग गोवा पहुँच चुके हैं, और यहाँ से हमारी लोकेशन है अप्रॉक्स 1 घंटे की। तो हमने टैक्सी कर लिया है यहाँ से। यहाँ से मैंने सोचा था कि प्राइवेट कार जो यहाँ से रेंटल कार जो मिलती है वो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ से नहीं मिलेगी, वहाँ लोकेशन वहीं से मिलेगी। हाँ यहाँ पे मतलब मिलती नहीं है वो रेंटल कार। ये एयरपोर्ट काफी आउटर साइड बना रखा है ना, यहाँ से हर लोकेशन 40-50 किलोमीटर दूर है जहाँ पर आपको जाना होगा मतलब गोवा में एंजॉय करने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ गोवा, और पूरा गोवा ग्रीन हो रखा है और बहुत ही सुंदर रास्ते हैं, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा गाइस, हम लोगों ने चेक इन कर लिया है। पहले हम आपको होटल्स वगैरह दिखाए थे, हमारे रूम्स दिखाए थे। हमने बहुत ही बेसिक रूम वगैरह लिए, हमने ज्यादा इस पे एक्सपेंस नहीं करा है, क्योंकि बाहर घूमने करने में उसमें ज्यादा एक्सपेंस होने वाला है। तो ये रहा मेरा और टीपू का रूम, ये देख लो, सेम ही रूम है वैसे तो। ये रूम बाहर बालकनी, ये बालकनी, और ये पूल है इधर, इधर पेड़ की वजह से यहाँ व्यू तो आ नहीं रहा, कोई बात नहीं। सेम ऐसा कैसा इन लोगों का भी रूम है, तुम्हारा चेंज थोड़ी है इस रूम, हमारा बड़ा है थोड़ा सा। टीपू भाई तो पूरे दिन खाए हैं और अंदर आके अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ ही गए होंगे आप। ये इनका रूम, अभी चल रहे हैं, अभी हम लोग बाहर ही निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें तो गोवा का आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। ये इनकी बालकनी से तो पूल भी नहीं दिखता। अच्छा अभी ना हम लोग बस थोड़ा सा फ्रेश होने वाले हैं। हाँ हाँ, ओके 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 ओके, अभी हम लोग फ्रेश हो रहे हैं बस, उसके बाद सबसे पहले जाएंगे बाहर निकलेंगे, पता करेंगे रेंट बाइक कितने की मिलती है, कार कितने की मिलती है। पागल है क्या, अभी सोएगी रात को सोना, अब रात को सोना मुट बोल रही, पूरे प्लेन में सोई है, प्लेन के बाहर सोई है, सोना कार में सोई है, हाँ कंधे पे हाथ रख के सोई है, सोना थोड़ी कहते हैं तो किसे कहते हैं सोना यार, उसे सोना। चल तू सो जाना, हम लोग तीनों जाएंगे घूमने, चलना। चलो मैं चेंज करके आ रहा हूँ, प्लीज लेट मत करना है ना। अरे टॉयलेटरी तो हाजिर। टीबू भैया तुम पहले बंग बड़ा का उड़ूसी कर दो, है ना। मैं अभी कुछ भी नहीं करके आया सर, मैं सब हाथ धो रहा था, देख रहा था कि क्या सही कहनी है। 20 मिनट से हाथ धोने से आप भाई का कुंडी लगी हुई खुलता है ये ऊपर, मत सुनो तुम खोल लो, मैं इधर हो रही हूं। अरे और ये सिड्डियां नहीं है, सिड्डियां नीचे कुंडी ना, पैसा सोने के सोने के। अरे मत खोल, डब्ल्यू के नीचे पैसा मिलेगा। अच्छा गोवा में, गोवा में ही है ना वो, गोवा घूमने के लिए बिल्कुल रेडी। और अब उधर देख के आते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। टीपू भाई तो नीचे चले गए हैं, देखो सामने गए होंगे वो स्कूटी रेंट पर लेने के लिए। अभी तो स्कूटी ले रहे हैं क्योंकि फटाफट एक जगह का घूमना है, यहाँ पर कार लेने का कोई सेंस नहीं है, आसपास घूमने में पतली पतली गलियाँ हैं, मज़ा स्कूटी से आएगा। ये लोग रेडी हो गए क्या? हाँ ये लोग रेडी हो चुके हैं, वो बाहर वीडियो शूट कर रही है। तो मैं खुद भी पहली बार आया हूँ यहाँ पर, तो मुझे खुद को आइडिया नहीं चीज़ों का, तो सब चीज़ें मेरे लिए फर्स्ट टाइम होंगी, बट जो जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी मैं सब आपको रिकमेंड करूँगा।
और कुछ चीजें जो मेरे को पसंद भी नहीं आएगी जिसका आपको ध्यान रखना होगा वो सब भी बताऊंगा। कौन सा होटल, कौन सी जगह, कैसा, क्या क्या बजट हो रहा है, क्या सब कुछ शेयर करूंगा। टीपू भाई पेट्रोल भर रहे हैं स्कूटी में। चलो गाइस, मैं तो टीपू भैया के साथ बैठूंगी। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बीच। अब कौन से वाले बीच लेके जाएंगे वो टीपू भैया डिसाइड करेंगे। टीपू भाई कौन से बीच जा रहे हैं? बागा बीच जा रहे हैं। मौसम तो बहुत प्यारा है, बारिश नहीं आ रही है, बदलों वाला मौसम है। एक चीज की दिक्कत होगी लेकिन यहाँ पर सनसेट वाला पॉइंट हम नहीं देख पाएंगे बादलों की वजह से। लेकिन एक और चीज अच्छी है कि गर्मी नहीं लगेगी, हम पूरे दिन भी घूम सकते हैं अगर ऐसा मौसम रहा तो। बट मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ही मौसम रहे। भाई बहुत बुरी छोटी हुई भी साइलेंसर चमक गया पहले। चले लुक एट दिस ब्यूटीफुल बीच। यहाँ के बीच की सही में बात ही कुछ और है। और देखो मौसम कितना प्यारा हो रहा है सबसे। देखो यशी सही में ये मौसम इतना अच्छा है ना, इस वजह से इतना प्यारा लग रहा है, वरना भी धूप में परेशान होते अपन। भाई साहब बहुत प्यारा, बहुत ही ज्यादा प्यारा। वाओ आज कर लो स्विमिंग। हाँ नेवर एंडिंग व्यू। अक्सा बीच कितना ब्लू था एकदम। ये साउथ गोवा में एक बीच है बटरफ्लाई बीच, वो बिल्कुल ब्लू है। वो ये ना ब्लू वो सबसे क्लीन बीच है। क्लीन वाली भी सीन होता है। ठीक है चलो यार, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यार। चलो आगे चलते हैं। इतनी तेज आवाज आ रही है लहरों की। क्रैब ही नहीं दिख रहा है इसके अंदर से, कट कट करता हुआ। क्रैब लगता है क्रैब से। ऐसे थोड़ी मिलेगा यार। सब अपना अपना नाम लिख देते हैं। इसको अलग ही मजा आ रहा है चुटकी को। अरे डूब जाएगी। मुझे पानी की आवाज बहुत अच्छी लगती है। मुझे डरावनी लगती है, मुझे पहाड़ ज्यादा पसंद है। नहीं मुझे ये वाली ऐसे मौसम के साथ इस व्यू को एंजॉय करने में बड़ा मजा आता है। देखो बताए यहाँ पर रात को बैठो खूब देर तक, बहुत अच्छा लगता है। आई एम नॉट अ बीच पर्सन, तो मैं नहीं समझ सकती। आई एम अ माउंटेन पर्सन। मैं तो दोनों ही हूँ, मुझे दोनों जगह मजा आता है। देखो मेरे भी ना इधर दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये चल गया मेरे उस साइलेंसर से, यहाँ दर्द हो रहा है। अरे निकल देख इसको, देखो बताओ मेरे पैर का। अगर नीचे कोई कीड़ा खा गया तो देखो मैं धक्का दे दूं तो। नहीं 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 नहीं, नीचे सांप बाप सब है पता है। अरे सांप वगैरह नीचे। देखो BTS चल रहा है यहाँ पर, हम वेव के साथ फोटो क्लिक कराने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहा हूँ रेडी, इसको डर बहुत लगता है ये। गोवा का पहला दिन, पूरा दिन ट्रैवल में निकल गया ऑलमोस्ट, लेकिन इस शाम के 2 घंटों ने ना मेरा पूरा दिन की थकान और मन पूरा सब सही कर दिया। मज़ा आ गया कसम से। और अभी भी यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से चलते हैं। थोड़ा और भी कुछ चीज़ें हैं जो टीपू भाई बता रहे हैं, एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या है यहाँ पर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चलते हैं। अब लेट्स सी कि जाते हैं या नहीं जाते हैं। चले अब। मेरा भी वैसे मन नहीं कर रहा, सही बता दूं बात। नहाना है? अच्छा जाके नहाना है। अबे अभी क्या, कहाँ चलना है? अभी तो खाना, भूख लग रही बहुत तेज। चलो खा ले, यहाँ से भी नहीं जाना। लेकिन चलो आ जाएंगे, अभी तो बीचेस ही बीचेस है पास में, कभी भी आ जाएंगे। बहुत पास में था यार ये तो। हाँ रात को बैठने आएंगे यहाँ पर, बहुत मजा आएगा। जाओ गोवा में आके क्या करे बताओ। पताशी। अच्छा ये स्ट्रीट ना पूरी की पूरी ना क्लब्स वाली है। टिटोस स्ट्रीट फेमस स्ट्रीट है, इसमें पूरी मतलब सबसे हैपनिंग स्ट्रीट में से एक है। पूरी में क्लब्स ही क्लब्स है और म्यूजिक बजता रहता है पूरे टाइम। रात को अगर हम आए इस साइड तो मैं दिखाऊंगा आपको पूरा। हाउ इज इट गाइस? अरे मेरी अच्छी लगी इसको, अच्छी लगी। मुझे भी खाने दे, मुझे भी खाने दे। हम लोग पिज्जा हट पे कुछ खा रहे हैं और हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, तो हमने सोचा कि इधर ही रुक जाते हैं थोड़ी देर। क्या देख गया? मुझे ना वो हैंगिंग वाले वो बहुत पसंद है, मैं लेऊंगी, लेके चलूंगी। चलो ठीक है। ओह सिटी बुके छिप गया। साइलेंसर सबका नंबर आ रहा है धीरे धीरे। दूर रहो इससे साइलेंसर से, दूर रहो। टीपू यहाँ के फेमस कैफेज पता है ना आपको? तो अभी क्यों नहीं जा रहे पर वहाँ पे? अच्छा ओके, अभी हम आज रात को प्लान बनाएंगे। कुछ चीजें जो इनको पता है ना, उन चीजों का प्लान बनाएंगे हम। ये मीकुड़ी के क्रीमी गार्लिक स्टिक्स, ये हम सबका पिज्जा। और अभी आज हम ट्राई करने वाले, अच्छा इसका पास्ता है, आज हम ट्राई करने वाले मोमोज पिज्जा। तो नहीं जब भी मैं GT जाता था ना, GT में फोटो दिखती थी इतनी बड़ी मोमोज पिज्जा की, तो हमेशा देख के सोचता था यार मोमोज पिज्जा कहेंगे आज फाइनली। वैसे तुम्हें याद है इसका डोमिनोज के ऐसे उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट एक भी काम नहीं करे अभी तक। जैसे पिज्जा पराठा, पिज्जा पराठा चॉकलेट और वो एक वो कौन सा पिज्जा बर्गर, कुछ भी काम नहीं करा।
ये आ गया हमारा भाई, ये क्या बनाया है बहुत, ये उल्टा रखा है। हमारा खाना पीना हो गया डन, अब हमें डिनर की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि हमारा शक था कि बारिश बहुत तेज आने वाली है, बारिश आ रही है अब कंटिन्यू, तो जब तक ये रुकेगी नहीं तब तक हम यहीं बैठे। अच्छा हाँ, इसका रिव्यू ये ओके ओके था, जिसको मैं जिसको मोमो पसंद है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है उसको, ये बहुत अच्छा लगेगा। बट अगर आप मोमो के फैन नहीं हो, चाइनीज़ ज़्यादा आपको पसंद नहीं है, तो फिर आप पिज़्ज़ा खाओगे, मोमो पिज्जा में भी मजा नहीं आया, लेकिन देखो कितनी तेज बारिश आ रही है और इसकी वजह से ना बीचेस बंद हो गए होंगे। अब क्या करिए, अपन लेते कार्ड्स और फिर खेलेंगे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो अभी सामने टीबू भाई गए हुए हैं अम्ब्रेला लेने के लिए। भाई इससे बड़ा नहीं मिला क्या आपको? भाई इसमें चारों जा सकते हैं अपन पैदल पैदल। तो ये लेकर आओ ना यार, अरे एक तो क्या करेंगे सही बताओ, एक एक दोनों लेकर बैठ जाएंगे स्कूटी पे, अपन चलाते रहेंगे स्कूटी, गीला नहीं होना यार, तबीयत खराब हो जाएगी। कितने का दिया ये? 100-200 रुपए के चक्कर में। लाओ टीम ये मेरे, अच्छा नहीं सॉरी, हां सही, हम पैदल जाए ऐसे। अब दो छाते हो गए, अब वो टीम भी का है और दिया अपन दोनों का है। चलो यहाँ पर इतने अच्छे हैं कैफेज की बाहर तक आवाज आती रहती म्यूजिक की, अरे बारिश के चक्कर में वहीं जा ही नहीं पाएंगे, नहीं तो मैं वहाँ उसे स्ट्रीट में लेके चलता हूँ, हर कैफे में म्यूजिक बज रहा था मस्त। हाँ। वैसे पता है मैंने अभी वेदर चेक करा, अगले 4 दिन न्यूज आई है हैवी रेनफॉल की गोवा में, अगर ऐसा हुआ तो हमारा ट्रिप खराब हो जाएगा, और कल से स्कूटी नहीं कार ही लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बारिश में ऐसे अटके रहेंगे वरना कहीं ना कहीं कुछ नहीं हो सकता। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टुडे, छाते के साथ, छोटा छाता बड़ा छाता हो रहा सरकमफेरेंस के हिसाब से, एक नहीं, अभी मीकू ने अपना छाता गिरा दिया था, उसको उठा के हमने दिया है छाता, और हमारा छाता कोई काम का नहीं है, पूरा पूरा गिरा गया। मजा तो आ रहा है यार, पहुंच गए हम लोग होटल और ये छाते ना किसी काम के नहीं थे। भाई मैं टोबा से पूछ रहा था ये टीबू भी वाला छाता, तो टीबू भी ने पकड़ा था तभी गिर गया होता है, और ये पूरे गीले हो गए फिर भी इन दोनों को मजा आया। एंडिंग आवर डे विद टी, एकदम से ये मौसम इतना ठंडा हो गया बारिश के चक्कर में कि हमारा चाय पीने का मन कर गया। बिस्किट का पैकेट लेके आया जिसमें एक ही बिस्किट है और खाने वाले 4। चलो कोई नहीं, गुड नाइट।